नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज बट विच इज क्वाइट हार्डर, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा हार्ड कर दिया है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव मीन्स बोथ आर बाइनोमियल प्लस उसमें एक और टर्म है प्लस 25. आपको बहुत ध्यान से इसे सॉल्व करना है. तरीका वही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं इसका, इससे इससे देन देन डायरेक्टली कर लें तो और बढ़िया है. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स फर्स्ट टर्म प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फाइव सेकेंड टर्म. नाउ माइनस फाइव विल मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव एंड देन 25 भी हमें दिया हुआ है. ठीक है, अब ये चार टर्म हो गए, हम इन्हें सॉल्व करेंगे. एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस 25 प्लस 25. लाइक टर्म अगर हमें कुछ दिख रहे हैं तो यहाँ पर ये तीनों में कोई लाइक नहीं है, बट दीज टू आर सेम एंड हैविंग अपोजिट साइड तो दे विल कैंसल. 25 एंड माइनस 25 विल गिव यू जीरो. सो योर फाइनल आंसर इज दिस. सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, बट आपको ध्यान से करना है. नाउ सेकेंड भी यही हो जाएगा हमारा. सेकेंड इज ए स्क्वायर प्लस फाइव बी क्यूब प्लस थ्री एंड देन फाइव. सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म. सो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस फाइव इंटू बी क्यूब प्लस फाइव इंटू थ्री एंड एक्स्ट्रा जो यहाँ दिया है प्लस फाइव. फाइन, ए स्क्वायर बी क्यूब ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 15 प्लस 5. सो फाइनली इट इज a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 20. देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. प्लस का 5 जरूर दिया बट क्वेश्चन पे कोई ह्यूज इफेक्ट नहीं आया. नाउ थर्ड इज टी प्लस एस स्क्वायर एंड टी स्क्वायर माइनस एस. ये तो और भी सिंपल है, यहाँ भी वही तरीका, इसका मल्टीप्लाई दोनों से एंड इसका मल्टीप्लाई दोनों से. टी इंटू टी स्क्वायर माइनस टी इंटू एस प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू एस. ठीक है, इट विल गिव यू टी क्यू माइनस टी एस प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस क्यू. कोई लाइक टर्म नहीं है तो बहुत ही छोटू सा मल्टीप्लीकेशन हो गया. नाउ फोर्थ, हम सारे सम इसलिए ले रहे हैं कि आपको कोई भी सीबीएसई एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम नहीं आए. ठीक है, ए प्लस बी ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है. ए प्लस बी सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी सी प्लस डी, ये एक टर्म है ये एक टर्म है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. कैसे करेंगे हम इसे? आइदर हम तीनों पार्ट अलग अलग सॉल्व कर लें और सबको ऐड कर दें. अगर आप चाहें तो अपनी कन्वीनियंस के लिए पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लें इन दोनों को, वो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा. ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊँगी. ए इंटू सी माइनस ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी माइनस बी इंटू डी. अब मल्टीप्लीकेशन से तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं. ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड मीन्स दिस वन, ए माइनस बी सी प्लस
डी, ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी माइनस बी इंटू डी, ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी। सेकेंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट भी हाथ के हाथ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी, सो ये होगा ट्वाइस ए सी प्लस ट्वाइस बी डी। नाउ यू हैव ऑल द थ्री पार्ट्स विच आर सिंप्लीफाइड। अब वो सिंप्लीफाई हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ऑल द पार्ट्स। इन क्वेश्चन ठीक है, योर क्वेश्चन वॉज इन थ्री पार्ट। इस पार्ट की प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, उसका वैल्यू ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। प्लस सेकेंड पार्ट क्या है, ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी। एंड थर्ड पार्ट इज ट्वाइस ए सी प्लस ट्वाइस बी डी। सब कुछ ओपन कर देंगे, ब्रैकेट प्लस में है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। बी डी प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी प्लस टू ए सी प्लस टू बी डी। फाइन, अब देखिए कुछ सॉल्व हो रहा हो तो ए सी एंड ये वाला ए सी, दिस विल गिव यू टू ए सी माइनस ए डी प्लस ए डी, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। बी सी एंड बी सी दे विल ऑल्सो कैंसिल बिकॉज दे बोथ हैव ऑपोजिट साइन। ये दो टर्म तो आपकी कैंसिल हो गई। अब बी डी देखिए, माइनस बी डी एंड माइनस बी डी विल गिव यू माइनस ट्वाइस बी डी। बाकी हम कॉपी कर लेंगे। नाउ ए सी एंड ए सी दोनों प्लस हैं, इट विल गिव यू फोर ए सी एंड बी डी अगेन कैंसिल। जितना बड़ा क्वेश्चन था सॉल्व होके उसका बहुत ही छोटू सा आंसर आ गया। क्या आंसर आया, फोर ए सी। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। सो गाइस, अभी हमने फोर्थ पार्ट सॉल्व किया, उसको हमने पार्ट्स में सॉल्व किया। आप चाहें तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। अब जो फिफ्थ पार्ट है, हम उसको इंस्टेड ऑफ पार्ट्स हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, तो आपको हर तरह से सॉल्व करना क्लियर हो जाए। x प्लस वाई टू एक्स प्लस वाई एंड द सेकेंड पार्ट इज x प्लस टू वाई एंड x माइनस वाई। अगेन यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, इसे फर्स्ट पार्ट इसे सेकेंड पार्ट मान के दोनों को अलग अलग सॉल्व करें जैसे हमने लास्ट वाला किया, एंड इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। बट अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट करवाती हूँ ताकि आपको दोनों मेथड्स क्लियर हो जाएं। x का मल्टीप्लाई दोनों टर्म से होगा, x इंटू टू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। सिमिलरली y का मल्टीप्लाई दोनों टर्म से होगा, y इंटू टू एक्स प्लस y इंटू वाई। ये हो गया आपका पूरा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड, सेम मेथड दोनों से, इसका भी दोनों से, x इंटू एक्स प्लस एक्स सॉरी माइनस एक्स इंटू वाई ठीक है, प्लस टू वाई इंटू एक्स माइनस टू वाई इंटू वाई। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x इंटू टू एक्स इज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर हमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन कब होता है, जब यहाँ माइनस हो ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन ओपन हो गया, अब कुछ सॉल्व हो रहा है, ये एक्स वाई एंड ये एक्स वाई विल कैंसिल, और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, ये लाइक टर्म है, दे विल कलेक्ट, ये हो गया प्लस
2xy एंड एक और 2xy, ये भी लाइक है तो हमने निकलेक्ट कर लिया, प्लस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, सारा कलेक्शन हमने लाइक का कर लिया. नाउ 2x एंड x स्क्वायर विल गिव यू 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर. माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये 1y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो बड़े नंबर का जो भी साइन है ग्रेटर नंबर का वो अप्लाई हो जाएगा. सो दिस वाज द फिफ्थ पार्ट. नाउ सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल, बट यहाँ पर एक बाइनोमियल है एंड एक ट्राइनोमियल है. अभी तक हमें जितने भी क्वेश्चन मिले बोथ वर बाइनोमियल, ठीक है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइनोमियल दें ट्राइनोमियल दें चाहे वो पॉलिनोमियल दें, प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव ही लगेगी मल्टीप्लाई में, एंड ईच एंड एवरी टर्म विल मल्टीप्लाई. ठीक है, सेम प्रोसीजर. फर्स्ट क्या होगा आपका, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये हो गया x का मल्टीप्लाई. नाउ y का, y इंटू एक्स स्क्वायर y इंटू एक्स वाई y इंटू वाई स्क्वायर, बहुत ही सिंपल मल्टीप्लीकेशन है. नाउ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर y एक्स वाई स्क्वायर प्लस अगेन इट्स एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y क्यूब, ये अल्टरनेट प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये तो बहुत ही सिंपल था, ये कैंसिल के हुए, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, तो दोनों ऑपोजिट साइन है एंड टर्म सेम है लाइक है, तो माइनस प्लस इज जीरो, है ना, ये कैंसिल हो जाएंगे. सिमिलरली ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस विल बी योर आंसर. सेवेंथ आई एम स्किपिंग बिकॉज डेसिमल का है, सिंपल सा क्वेश्चन है वो आप घर पे करेंगे. एट्थ आई एम टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे वही सेम प्रोसीजर. अब यहाँ भी ट्राइनोमियल है एंड ट्राइनोमियल, क्योंकि दोनों में तीन तीन टर्म है, यहाँ पर बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल था, इससे पहले बाइनोमियल एंड बाइनोमियल था क्योंकि दो दो टर्म थी, एंड नाउ वी हैव ट्राइनोमियल, इट इज हैविंग थ्री टर्म्स एंड इट इज हैविंग थ्री टर्म्स. कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी टर्म दे दें प्रोसीजर वो का वही रहेगा, ए का मल्टीप्लाई पूरी टर्म से. इसको चलिए मैं आपको एक स्टेप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की लगा के करवा देती हूँ. बी का मल्टीप्लाई पूरी टर्म से प्लस सी का मल्टीप्लाई पूरी टर्म से, इसको मैंने डायरेक्टली ओपन नहीं किया, एक स्टेप और इंक्रीज कर दिया जिससे आपको थोड़ा इजी लगे. ठीक है ना, अब तो आपको आता है a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू सी, फर्स्ट पार्ट हो गया. b इंटू ए प्लस बी इंटू बी माइनस बी इंटू सी, सेकेंड पार्ट हो गया. c इंटू ए प्लस सी इंटू बी, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है, ध्यान दीजिए, c इंटू सी. ठीक है, a इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर, नाइन टर्म्स हो गए हैं. जो लाइक नहीं है उनको आप पहले अलग कलेक्ट कर लें, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो अनलाइक है उनको हमने पहले लिख लिया. अब आप चेक करें, ये है ए बी एंड दिस इज ऑल्सो ए बी, सो इट विल गिव यू टू ए बी टू ए बी, ये वाला एंड ये वाला हमने ले लिया. ए सी एंड सी ए सेम टर्म, साइन ऑपोजिट, तो क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे. अब और आगे बढ़े, बी सी बी सी एंड सी बी अगेन सेम टर्म एंड साइन ऑपोजिट, तो ये भी क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. स्टूडेंट इतने सारे क्वेश्चन हमने किए, थ्री के कम 6-7 सब पार्ट किए, क्वेश्चन में उन्होंने टर्म्स भी इंक्रीज कर दी, बट मल्टीप्लीकेशन बहुत ही ईजी हुआ एंड आंसर बहुत ही स्मॉल आया.
ठीक है. सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 9.4. नाउ आई एम मूविंग टू द 9.5. नाउ आई एम गोइंग टू टेक एक्सरसाइज 9.5 विच इज लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड इट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज. क्योंकि हमने चार इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ी तो उसका एप्लीकेशन भी हमें देखना होगा. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट पार्ट इज x plus 3. दे हैव सेड यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट. मीन्स इसको हम चाहें तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट हमें इसे आइडेंटिटी के थ्रू ही करना है. ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम टर्म है, तो इट मीन्स इट इज x प्लस थ्री का होल स्क्वायर. तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया. अब हम हमारी आइडेंटिटी रिकॉल करेंगे. a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हो तो इट इज इक्वलेंट टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आपकी कन्वीनियंस के लिए a इज इक्वलेंट टू x एंड b इज इक्वलेंट टू 3. तब आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू, 6x प्लस 9. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं अगर आइडेंटिटी आपको क्लियर हो तो. सेकेंड इज 2y प्लस 5 एंड अगेन 2y प्लस 5, 2y प्लस 5 होल स्क्वायर. अब मैं a इज इक्वल टू 2y एंड b इज इक्वल टू 5. मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा रही हूँ क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं कि हम डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा सकें. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे हमने क्या किया, ये आपने चूज कर लिए. जब a और b आपको मिल गए तो आप फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट जब आप करेंगे तो आपको फॉर्मूला भी लिखना होगा और साथ में लिखना होगा बाय यूजिंग जो भी आइडेंटिटी आप लगा रहे वो. ठीक है, 2y होल स्क्वायर इज 4y स्क्वायर, 2 2 4 5 20y प्लस 25. आफ्टर आइडेंटिटी तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपली सॉल्व हो गया. ठीक है, थर्ड इज, अब चेंज कर दिया, प्लस के हमने प्रैक्टिस कर लिए, नाउ दे हैव गिवन माइनस साइन. थर्ड इज 2a माइनस 7 एंड अगेन 2a माइनस 7. मीन्स नाउ दे वॉन्ट टू मेक यू प्रैक्टिस माइनस आइडेंटिटी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस 7 होल स्क्वायर. पहले तो आपका क्वेश्चन ही हो गया. अब आप अगर कंपेयर करें, a की प्लेस पे यहाँ पे क्या है 2a एंड b की प्लेस पे 7. Your identity says if you have a minus b whole square, then you can write this. Fine. Now you have 2a minus 7 whole square. So kya hoga? In place of a, you will put the value of a minus twice a. B ki jagah par aapke paas hai 7 plus 7 whole square. ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 7 4 28a प्लस 49. आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद तो बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाता है. आइडेंटिटी में केवल आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वैल्यू फाइंड करनी है कि a की प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको और b की प्लेस पे क्या दिख रहा है. नाउ फोर्थ इज 3a माइनस हाफ एंड अगेन 3a माइनस हाफ. मीन्स ये भी क्वेश्चन क्या है, 3a माइनस हाफ होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म सेम है. यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई होगा. अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ वैल्यू लिख रही हूँ. इन प्लेस ऑफ a आपको क्लियर दिख रहा है एंड प्लेस ऑफ b आप क्लियर देख रहे हैं क्या है, हाफ है. होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी,
3a square is 9a square because ये होल है माइनस. यहाँ पर आप देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैंने 1 पुट कर दिया, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या मिला 3a प्लस हाफ स्क्वायर इज 1/4. कितना सिंपल सॉल्व हो गया आइडेंटिटी से. अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन से करते तब भी हो जाता बट वो थोड़ा सा लेंदी होता. ठीक है, फोर्थ पार्ट भी हो गया इसका. नाउ फिफ्थ इज लिटिल बिट डिफरेंट क्योंकि इसमें डेसिमल भी है और आइडेंटिटी भी चेंज है. इन द फिफ्थ पार्ट दे हैव गिवन 1.1m माइनस 0.4n एंड सॉरी n नहीं ओनली 0.4. सिमिलरली 1.1m प्लस 0.4 कोई टेंशन की बात नहीं है. अगर इसे हम ध्यान से देखें तो क्या ये a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है? यस, सो इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, अब आप a और b कंपेयर कर लें. इन प्लेस ऑफ a यू हैव दिस एंड इन प्लेस ऑफ b यू हैव दिस. आप आइडेंटिटी के अंदर रख दें. आपका क्वेश्चन जो था इट वॉज 1.1m माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1.1m प्लस 0.4. इट शुड बी इक्वल टू 1.1m होल स्क्वायर माइनस 0.4 होल स्क्वायर. 1.1 है तो ऐसे अगर हम इसे देखें तो इट इज 11 की टर्म्स में दिख रहा है तो 11 का स्क्वायर इज 121. सो 1.1 होल स्क्वायर इज 1.21. ठीक है, हमने 11 का स्क्वायर अपने मन में किया और डेसिमल सब्स्टिट्यूट कर दिया. सिमिलरली 4 4 16 होता है तो ये हो जाएगा 0.16. बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया. सिक्स्थ इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी में एडजस्ट नहीं है. ठीक है, अरेंज नहीं है. हम इसे आइडेंटिटी के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, वो देखिए कैसे. माइनस का ए स्क्वायर यहाँ पर है और प्लस का ए स्क्वायर यहाँ पर है. हम इससे पहले कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस, हम a प्लस भी लिखें या b प्लस a करें, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है. अब यहाँ भी हम कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं? यस. अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये क्लियरली हमारी आइडेंटिटी दिख रही है. इफ वी हैव x प्लस वाई x माइनस वाई देन इट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. फाइन, अब आप कंपेयर कर लें. इन प्लेस ऑफ x वी हैव b स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ y वी हैव a स्क्वायर. आइडेंटिटी अप्लाई करें, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर. हमने सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन किया, b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4. कितना इजीली सॉल्व हो गया. ठीक है, तो ये था सिक्स्थ पार्ट. नाउ मूविंग टू द सेवेंथ पार्ट. इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं बट हम सारे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सब में कोई ना कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है. नाउ द सेवेंथ पार्ट इज 6x माइनस 7 6x प्लस 7. ये तो डायरेक्टली आइडेंटिटी है, a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे. इन प्लेस ऑफ ए वी हैव 6x, इन प्लेस ऑफ बी वी हैव 7. सो योर आंसर इज 6x माइनस 7 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 6x होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. सिंपल आइडेंटिटी सब ठीक है ना. नाउ 6x होल स्क्वायर इज 36x स्क्वायर माइनस 49. ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें आई डोंट थिंक कि कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है. नाउ एट्थ इज लिटिल बिट डिफरेंट. माइनस ए प्लस सी एंड माइनस ए प्लस सी.
इसको अगर ध्यान से देखें तो पहले तो ये दोनों टर्म सेम है, तो इसे या तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप इसे कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू पहले प्रॉपरली अरेंज कर दें, सी माइनस ए सी माइनस ए, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए होल स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को ऐसा करें या ऐसा करें, दोनों से आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये मैंने क्या किया, इनको दोनों को सेम टर्म है तो होल स्क्वायर में लिख दिया। इस केस में मैंने क्या किया, इनको टर्म सेम थी, सॉरी टर्म में कम्यूटेटिव लॉ लगा के हमने इन्हें चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए दोनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए की प्लेस में क्या है माइनस ए है, राइट। मीन्स अगर हम इसमें आइडेंटिटी लगाएं तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया, तो आप इसको अगर यहाँ ध्यान दें तो इन प्लेस ऑफ ए वी हैव माइनस ए एंड इन प्लेस ऑफ बी वी हैव सी, ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी, ठीक है। अब इसको ओपन करें, माइनस ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस टू ए सी बिकॉज प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया एंड ये आ गया। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है क्योंकि एक की जगह पर यहाँ माइनस ए है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको पहले चेंज कर लें, कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू इनकी पोजीशन हमने चेंज कर दी। अब अगर आप इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो डायरेक्टली लग जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें ए की प्लेस पे क्या है सी एंड बी की प्लेस पे क्या है ए, सी माइनस ए होल स्क्वायर इज सी स्क्वायर माइनस टू सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये इजीली आ गया, ठीक है। दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं, बस पर्पस हमारा ये है कि सही होना चाहिए, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन हमने किया, नाउ एट्थ एंड नाइन्थ, सॉरी नाइन्थ एंड टेंथ, दिस वॉज एट्थ एक्चुअली, ये हमने एट्थ किया। नाउ विल मूव टू द नाइन्थ एंड टेंथ। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन इज इन फ्रैक्शन फॉर्म, एक्स अपॉन टू प्लस 3/4 एंड अगेन सेम टर्म, मीन्स इट इज अ होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, कंपेरिजन कर लें, इन प्लेस ऑफ ए इट इज क्लियरली सीन दैट एक्स बाय टू, इन प्लेस ऑफ बी वी हैव 3/4। ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसके इक्वलेंट होता है, ए स्क्वायर मीन्स एक्स बाय टू होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। आइडेंटिटी अप्लाई करना अब आपको इजीली आना चाहिए क्योंकि हमने बहुत सारे सम प्रैक्टिस किए। ये हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2 से 2 क्या हो रहा है कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 3xy/4 प्लस। इसको जब ओपन करेंगे 3y होल स्क्वायर इज 9y स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर इज 16, सिंपल फॉर्मूले से ये ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन 10th, which is 4a 7a minus 9b and 7a minus 9b means again it's a whole square, 7a minus 9b whole square। आप a और b कंपेयर कर लें, a इज यहाँ पर 7a एंड b इज 9b, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a square मीन्स 7a² माइनस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर, सिंपल आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है।
7a² is 49a² minus. इसको सॉल्व करें, 7 × 2 = 14, 14 × 9 = 126ab प्लस 81b². तो स्टूडेंट ये हमने सॉल्व किया फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके इतने सारे पार्ट्स थे बट सब में कोई ना कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही थी. ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन.